जी तो फ्रेंड आज लाया हूँ GTA 5 के प्लेयर का एनिमेशन मोड GTA San Andreas के लिए दोस्तों, जिसका गेम प्ले आपने इसी वीडियो के शुरू में देख लिया होगा। अब बात करते हैं किस तरह से हम इस मोड को डाउनलोड कर सकते हैं, किस तरह से इंस्टॉल कर सकते हैं। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को लाजमी से प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुँच सके। दोस्तों सबसे पहले तो आपने इस मोड को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड कैसे करेंगे, इसी वीडियो के नीचे आपको इस मोड का लिंक मिल जाएगा। जैसे उस लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो आप इस पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पर दोस्तों जैसे ही आप इस पेज को स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर आपको इस मोड के स्क्रीनशॉट मिल जाएंगे और आपको डाउनलोड बटन भी मिल जाएगा। तो सिंपली आपने डाउनलोड बटन पर क्लिक कर देना है और आप इस पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पर दोस्तों आपने कुछ देर वेट कर लेना है। और उसके बाद आपने क्लिक हेयर टू गेट लिंक पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरह से 15 सेकंड का टाइमर आ जाएगा, तो सिंपली आपने यहाँ पर 15 सेकंड वेट कर लेना है। और उसके बाद आपने गो टू लिंक पर क्लिक कर देना है। और दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरह से मीडिया फायर का लिंक आ जाएगा, तो सिंपली आपने डाउनलोड बटन पर क्लिक करके डाउनलोड कर लेना है। दोस्तों मैंने ऑलरेडी इस मोड को डाउनलोड करके रखा हुआ है तो मैं आपको इंस्टॉल करके दिखा देता हूँ। दोस्तों डाउनलोड करने के बाद कुछ इस तरह की जिप फाइल आपको मिल जाएगी। यहाँ पर दोस्तों 19 MB का जो है वो फाइल साइज है, तो यहाँ पर दोस्तों आपने इस फाइल पर राइट क्लिक करना है और एक्सट्रैक्ट हेयर पर आपने क्लिक कर देना है तो आपका मोड एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। और उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का फोल्डर आ जाएगा, तो सिंपली आपने इस फोल्डर के अंदर चले जाना है और इन सारी फाइल्स को आपने कॉपी करना है और GTA San Andreas के फोल्डर में जाकर इन्हें पेस्ट कर देना है। अगर दोस्तों आपके पास डेस्कटॉप पर इस तरह का लॉन्चर मौजूद है तो आपने उस पर राइट क्लिक करना है और ओपन फाइल लोकेशन पर आपने क्लिक कर देना है और आप GTA San Andreas के फोल्डर में चले जाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों आपने इन फाइल्स को पेस्ट कर देना है और उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से रिप्लेस का ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पर दोस्तों आपने रिप्लेस भी कर देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा मोड जो है वो इंस्टॉल हो चुका है। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको इसका गेम प्ले दिखा देता हूँ GTA San Andreas को ओपन करके। तो यहाँ पर मैं GTA को ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर फ्रेंड आप देख सकते हैं कि GTA San Andreas मेरे पास ओपन हो चुका है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा मोड जो है वो इंस्टॉल हो चुका है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसकी जो है वो प्लेयर एनिमेशन वो चेंज हो चुकी है, बिल्कुल GTA 5 के प्लेयर की तरह जो है वो इसकी एनिमेशन जो है वो आ चुकी है। तो यहाँ पर दोस्तों अगर आप अपने प्लेयर को चेंज करना चाहते हैं, GTA 5 के प्लेयर को लेना चाहते हैं, तो यहाँ पर दोस्तों आपने टैब प्लस क्यू के बटन को प्रेस करना है। तो जैसे ही आप टैब और क्यू के बटन को प्रेस करते जाएंगे आपके सामने इस तरह से ये जो है वो स्किन चेंज होती जाएंगी, ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि बिल्कुल जो है वो GTA 5 के प्लेयर की तरह इसकी जो है वो एनिमेशन आ चुकी है। तो यहाँ पर दोस्तों मैं कार वगैरह ले लेता हूँ, तो यहाँ पर दोस्तों कुछ और भी जो है वो इसकी एनिमेशन आपको दिखा देता हूँ। और यहाँ पर दोस्तों मैं जो है वो कार से बाहर आ जाता हूँ, तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये भी जो है वो एनिमेशन GTA 5 के प्लेयर की तरह ही है। तो यहाँ पर दोस्तों मैं एक बिल्डिंग पर आ चुका हूँ, तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको छलांग लगा कर दिखाता हूँ कि किस तरह से ये जो है वो इसकी एनिमेशन जो है वो यहाँ पर आएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि GTA 5 के प्लेयर की तरह ही इसकी जो है वो यहाँ पर भी एनिमेशन आ चुकी है। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो भी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। दोस्तों अगर आपको कोई भी मोड चाहिए तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, मैं आपके मोड पर लाजमी से वीडियो बनाऊँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।